हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सो जो आज की वीडियो है वो भी हमारे कार रिलेटेड ही बनने वाली है, और वो है स्पेशली कार कस्टमाइजेशन, जो इंटीरियर कस्टमाइजेशन है, बोल सकते हो काइंड ऑफ एम्बिडेंट लाइटनिंग। जैसे कि मॉडर्न कार में तो आपको पता है ऑलमोस्ट सभी में आ रही है, बट जो स्टार्टिंग मॉडल है और जो कॉम्पैक्ट सेडान्स मॉडल है उनमें नहीं आता है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, और अभी से अनबॉक्स करते हैं। अभी आपने तो देख लिया होगा थंबनेल से, समझ गए होंगे कि क्या है प्रोडक्ट ना। बट स्टिल आई विल ओपन दिस टू यू। एंड आई हैव ऑर्डर दिस प्रोडक्ट थ्रू अमेजोन, एंड इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो बट वी हैव इज दिस, वी हैव दिस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड LED RGB लाइटिंग स्ट्रिप्स, एंड बेसिकली यू कैन कॉल इट एटमोसफियर लाइट्स। और ये जो आपके कार की स्टाइलिंग है, जैसे कि इसमें लिखा है ऑटोमोबाइल एटमोसफियर लैम्प सेलेक्टेड स्टाइल म्यूजिक साउंड कंट्रोल कलरफुल चेंजेस म्यूजिक सेंसर 7 कलर कंट्रोल। सो ये वीडियो इसी प्रोडक्ट के बारे में है, और ये अभी अनबॉक्स करके बताता हूँ इसमें क्या है। यहाँ पे भी लिखा है बहुत सारे कि कौन से कलर इसमें है, रिजल्ट्स जो दिखाए जरा डेमोस्ट्रेट भी करा है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये मिलता है हमारा अडाप्टर, जो हमारे डायरेक्ट जो 12 वोल्ट का DC आउटपुट होता है उसमें लगेगा। और ये हमको एक रिमोट मिलता है इसमें, जिसमें सारे कंट्रोल्स है। बेसिकली आप देख सकते हैं, यू कैन सी मल्टीपल कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीपल वे में कंट्रोल करने के लिए इसको। और जो मेन प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज़ अ 4 LED स्ट्रिप्स, RGB स्ट्रिप्स। और इसके पीछे हमें टेप भी, 2 double-sided टेप लगे, ताकि आप कहीं से वैसे ईजिली स्टिक कर सको। वेरी नाइस प्रोडक्ट ओवरऑल। और ये है अडेप्टर, और इसका IR सेंसर है, और इसकी लेंथ भी, ये है इसका IR सेंसर, ताकि रिमोट से आपसे कंट्रोल कर सको। और जो इसकी लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये जो आगे डैश से लेकर इसमें 4 है, तो 2 आगे लगेगी 2 पीछे, तो उसकी लेंथ भी पर्टिकुलरली काफ़ी लंबी सही दी गई है। तो उसको भी वीडियो स्टार्ट करते सीधे इंस्टॉलेशन के साथ। तो गाइज, अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप हो गई है डिलीट, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी। सो ये था हमारा कनेक्टर, तो आपको तो पता ही है। बाकी मैंने यहाँ से इसकी ये वायर छोड़ी थी, और मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ आपको। बॉक्स भी मैंने इसके अंदर, वायरिंग मैंने रखी थी वो यहाँ से रखी है। पहली स्ट्रिप आप देख सकते हैं ये है, सेकेंड वाली यहाँ पर है, जला के दिखा देता हूँ आपको। वो होगी क्लिप डिलीट, सो उस वजह से मेरे को ये पार्ट दोबारा शूट करना पड़ा है। ये रही, और जो आपको उसमें वायर मिलेगी फ्रंट के लिए, तो 2 LED उनके लिए थोड़ी लंबी मिलेगी, तो लंबी वायर फ्रंट के लिए थोड़ी छोटी मिलेगी, और रेयर के लिए आपको लंबी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने इसकी वायरिंग दी है, और इसी डैशबोर्ड के नीचे से मैंने पीछे के लिए दी है। पीछे वाली भी देख सकते हैं आप, मैंने इधर ही लगाई है, और इधर मैंने यहाँ पर लगाई। तो वायरिंग बहुत इजी थी, और इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 3M की बहुत अच्छी ग्रिप वाला डबल साइड टेप। तो देखो देखो हिल नहीं रही, इट्स लाइक कंपनी फिटेड, तो बहुत अच्छे से फिट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। सो मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर यू चेक आउट, और डिस्क्रिप्शन में आप एक बार लिंक चेकआउट ज़रूर करें, और बेस्ट बाय लिंक मैंने दे रखा है वहाँ पर। बाकी रिमोट का भी नाइट व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इसका नाइट व्यू इस क्लिप के बाद चलेगा। सो गाइस, अभी आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना लिंक, कि ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है आप लोगों सभी के लिए। सो अभी इसके बाद सीधे हम नाइट व्यू की बात करते हैं, और इसमें बहुत ईजी है, आप घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बस वायरिंग का ध्यान रखना, ताकि इतनी विजिबल ना हो वायरिंग, क्योंकि अगर वायरिंग विजिबल तो बहुत ऑड लगता है, और मेरे को भी क्लीन रखना पसंद है कार। अभी मैंने इसका IR ब्लास्टर देख सकते हैं, IR ब्लास्टर ये रहा, ताकि इस पर आप सिग्नल से अपना चेंज कर सके, रिमोट अभी वर्क करेगा। तो सीधा अभी इसके बाद नाइट की क्लिप चलेगी।
तो ये जो अभी कार का आपको नाइट लुक दिखा दिया फ्रंट से, तो कुछ ऐसा भी रेड कलर होने, और आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो अभी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ मैं, ये भी ब्राइटनेस मिनिमम है, ये फ्लैश करेगा जब मिनिमम होगी, और जब मैक्सिमम होगी तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस को फ्लैश करेगा कि अभी ब्राइटनेस फुल है। और यहाँ पे आप देखो अभी ग्रीन कलर मैंने चूज़ कर लिया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये हो गया हमारा वाइट, ऑरेंज, येलो, कयान ब्लू एंड दिस इज़ द पर्पल वन। तो ये है कलर, और बाकी आप इसमें मल्टीपल मोड है, जंप मोड कहते हैं इसको, देखो ये जंप मोड है, जंप में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा पैटर्न, ये हमारा जंप टू, ये फेड वन, इसमें देखो आप कलर चेंज हो रहे हैं, और ये है हमारा दूसरा फेड मोड। मैं ज़रा लाइट बंद करके दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा बढ़िया दिख रहा है। ये हो गया हमारा फ्रंट से, रियर की बात करते हैं, इसकी बंद कर देता हूँ मैं ज़रा, देखो ऐसा है कुछ फ्रंट से और रियर से ऐसा है, इनको कलर चेंज हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा आपको, सिर्फ 500-600 रुपये में आपको इतनी बढ़िया मिल जाएगा। और बाकी आप इसमें जंप मोड भी है, यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, ये मोड, इससे आप अपने इसको आप इसमें डाल दो, तो ये जो कार वार की जो जितनी भी, और देखो अगर मैं बोलूँगा तो ये चेंज करता रहेगा, सभी ये गाना प्ले करते हैं। देखो गाने की बीट के अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहा है पीछे भी, तो ओवरऑल काफ़ी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट लगा है मेरे को। और यहाँ से आप चेंज करो, मैंने बीट B2 में डाल दिया, देखो बीट पे हिसाब से चेंज करेगा तो काफ़ी बढ़िया फंक्शन है। इसकी फिटिंग तो आपने देख ली, इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, सो मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। आप लोग इसको, आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ जितने भी दो चार और जो ऑप्शन होंगे बेटर क्वालिटी में वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और गाइस इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, और ऑलमोस्ट आप देख रहे हो बिल्कुल बढ़िया लग रही कार, मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट।